आज बात करेंगे हम दोस्तों टिक्की मौसी के बारे में। टिक्की मौसी क्या है दोस्तों, इसी के बारे में हम आप बात करेंगे। और परीक्षाओं की दृष्टि से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, टिक्की मौसी बच्चों और महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उड़ीसा महिला एवं बाल विकास और मिशन शक्ति विभाग ने यूनिसेफ के साथ में मिल करके भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर टिक्की मौसी नामक शुभंकरण का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का मिशन है महिला और बाल विकास के लिए, और टिक्की मौसी जो है इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का शुभंकर है। एक बच्चे की दूसरी माँ के संदर्भ में शुभंकर को टिक्की मौसी नाम दिया गया है। साथ ही विभाग ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के सहयोग से एक व्यापक राज्य स्तरीय संचार रणनीति भी शुरू की है। इस शुभंकर के द्वारा उड़ीसा के प्रत्येक घर तक पोषण के महत्व की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। तो इस प्रकार टिक्की मौसी उड़ीसा महिला एवं बाल विकास और मिशन शक्ति विभाग के द्वारा तय किया गया एक शुभंकर है। परीक्षाओं की दृष्टि से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशेषकर यदि आप कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चूंकि ये नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।